पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रथमा बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी पेंशन को लेकर प्रथमा बैंक की मुख्य शाखा पर प्रदर्शन किया और महाप्रबंधक से जल्द पेंशन दिए जाने की बात कही। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों ने कहा कि काफी लंबे समय से किसी भी कर्मचारी को पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के परिवार का लालन पालन करना भी दूभर हो चुका है। इसी वजह से जल्द सभी ने अपनी पेंशन की मांग की है। इस विषय पर जब प्रथमा बैंक के महाप्रबंधक महापात्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। परेशानी यह है कि प्रथमा बैंक के स्टाफ पेंशन के लिए काफी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। हमारी जो यूनियन है रिटायरी उसके उनसे इस बैंक द्वारा लगातार संपर्क करने के बाद भी रोज टाला जा रहा है और आज तक वो कार्य नहीं हुआ। हमारे बीच में कई साथी इस दुनिया से प्यारे हो गए, पेंशन की आस लिए प्यारे हो गए। मैनेजमेंट से आज हमारा बार बार ये अनुरोध है, करते हैं कि भाई पेंशन दीजिए, इसमें बहुत से लोगों की अपनी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना है और सारे कागज लेने के बाद भी आज भी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। हम प्रथमा बैंक के मैनेजमेंट से ये अपील करते हैं कि इस कार्य को जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि ये साथी जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी 30-35-35-40-40 साल सर्विस करने के बाद भी आज अपने हक के लिए इस पेंशन के लिए कह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन दी जानी चाहिए। सब कुछ आने के बाद भी हमें पेंशन नहीं मिल रही है और जबकि और ग्रामीण बैंकों ने अपने कर्मचारियों को पेंशन जारी कर दी, तो इसी डिमांड को लेके इसी बात को लेके हम आज अपने अध्यक्ष प्रथमा बैंक महाप्रबंधक प्रथमा बैंक से मिलने आए हैं और ये पुनः उनसे ये अनुरोध करेंगे कि हम किसी ऐसी उसको ना अपनाएं, ऐसी क्रिया को ऐसे एक्शन को ना लें कि भाई हम इस पर धरने पर बैठें या कोई और ऐसा कार्य करें जिससे कि मैनेजमेंट को और ज़्यादा और मीडिया में और ज़्यादा आने पर मैनेजमेंट के हमारी बैंक की कोई बदनामी हो। पेंशन हम लोग प्लान कर रहे हैं जी सर, ये महीना का एंड तक देने के लिए। एक्चुअली ये सभी लोग इकट्ठी होने का की बजाय है कि बैंक अभी मर्ज हो रहा है दूसरा बैंक से, तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि बैंक मर्ज होने से पहले हमको मिल जाना चाहिए, तो इसीलिए सारे लोग आ रहे हैं। पेंशन अभी आरआरबी कोई भी आरआरबी में नहीं दिए, खाली टोकन एक दो आदमी को दिए हैं। हम लोग भी 5 आदमी को फरवरी महीने में दे चुके थे। अभी जो भी पीएफ से इंफॉर्मेशन बाकी जो भी सारी हिसाब किताब करने के बाद हम लोग देंगे और वो काम जोर शोर से चल रहे हैं। आपके सामने बैठे हैं हमारा कोई कौन सा ब्रांच आपका कुरीर रवाना से उनको भी बुलाए, एक्सपर्ट है टैबलेशन के लिए। और भी कल ही हम 15 आदमी लगाए थे 4-5 दिन के लिए लगातार, जो भी पुराना डाटा है इन लोगों का कम से कम तो 75 से जो डाटा है सबको निकाल के पीएफ बना डाटा निकाल दिया हम लोग जी। अभी हमारा मल्होत्रा साहब वो भी टैबलेशन कर रहे हैं, काफी जोर से काम चल रहा है। मतलब मानते हैं जल्दी हो जाएगा, मतलब उनका होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम 35 से पहले सबको पेंशन दे दें। उनके लिए भी हम लोग जो लोग काफ़ी पहले से रिटायर्ड हो चुके हैं वो दे नहीं पा रहे हैं पीएफ अमाउंट, उनके लिए भी हम एक लोन स्कीम भी बनाए। अच्छा। हमारा पिछला बोर्ड से अप्रूव किए हैं लोन के हैं, तो हम वी आर कमिटेड टू गिव देम, बहुत जल्दी देने का।